खबर भीतरवार से मिल रही है। नगर के बानवारे श्री हनुमान मंदिर पर दो अज्ञात लुटेरों ने बोला धावा, पुजारी पर चाकू अड़ाकर लूट की घटना को दिया अंजाम। चाकू और हथियार की नोक पर पुजारी को बनाया बंधक, फिर लुटेरों ने बनवाया खाना। गुरुवार दरमियानी रात की घटना, पुलिस मौके पर मौजूद है। दान पेटी में लगभग 8,000 रुपए बताए जा रहे हैं। पुजारी से जानकारी लेकर अज्ञात लुटेरों की छानबीन में जुटी भीतरवार थाना पुलिस। भीतरवार से के शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम है सुरेश बावा जी। आप मंदिर पर रहते हो? कौन से मंदिर पर? मंदिर पर रहते हैं हम, बानवार पे। तो क्या हुआ था रात्रि में? जैसे 10 बजे टाइम पर बोला कि लेट मैं लूटा लेकर लेट अब देख बेटे राजन तना थे। क्या क्या लोग थे? दो जन एक भाई दाढ़ी फाड़ी थी, एक आदमी को मुंह में बदबू आ रही दाढ़ी। फिर वो क्या मंदिर पे आए? मंदिर पे आ गए जी सर। फिर क्या बोले? वो खाना बना, रोटी बनाओ और सब्जी रोटी हमको भूख लगी। तो क्या कोई हथियार वथियार लिए हुए थे? यार भाई चाकू आज को मैं काट रहा हूँ, सब्जी काट रहा हूँ। फिर क्या किया उन्होंने? पैसे मैसे ले गए? क्या ले गए? सब्जी काट, सब्जी सब्जी नहीं काट पाई, इतने टाइम होगा फला। फिर पैसा पैसा ले गए क्या मंदिर से? पैसा जी दान पेटी का कुंदा टूटेगा, पैसा निकाल ली। और रात बैठ दाम कुंदी लगा दी। फिर कैसे खोले आप? जैसे मैं चिल्लाता मैं पैसा लगा रही कुंदी, तो खोला कुंदी का लगा दी। जब जाओगे मैं तब कुंदी खोली बिंदी।